नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज बात करने वाला हूँ क्रेडिट कार्ड के बारे में। क्रेडिट कार्ड लोगों के बंद हो रहे हैं और क्यों हो रहे हैं, उनमें से मैं भी एक हूँ। तो आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि किस तरह से आप अपना क्रेडिट कार्ड बंद होने से बचा सकते हैं, या क्रेडिट कार्ड जो है वो बंद क्यों हो रहा है उसके बारे में डिटेल में। वीडियो पहली बार देख लो, लाइक करना चाहते हैं सब्सक्राइब। और अगर आपका मन है कि आप क्रेडिट कार्ड लें या सोच रहे हैं, तो इंस्टेंट अप्रूवल लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा डिफरेंट बैंक के क्रेडिट कार्ड के, तो वो जा करके आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप सोच रहे हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए, तो इंस्टाग्राम पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको कांटेक्ट कर लूँगा, आपकी हेल्प कर सकता हूँ। तो वीडियो में आपको बताऊँगा कि क्रेडिट कार्ड जो है वो बंद क्यों हो रहे हैं लोगों पे, या फिर इम्पोर्टेंट अपडेट करके क्यों आपको मेल या फिर मैसेज रिसीव हो रहा है। यहाँ पर स्क्रीन देखिए, वहाँ पर स्क्रीन में आप देख रहे होंगे कि जो आरबीएल बैंक का क्रेडिट कार्ड है वो मेरे पास है, लेजी पे वाला, अगर आपने देखा होगा तो। उसको मैंने 1 साल से यूज़ नहीं किया है। वहाँ पे इंफॉर्मेशन, इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग योर आरबीएल बैंक क्रेडिट कार्ड करके आ गया, और वहाँ पे साफ साफ लिखा है कि आपका जो कार्ड है वो 1 साल से आपने यूज़ नहीं किया है। इस वजह से अगर 8 अगस्त तक, यानी कि जो अगला महीना है या जो आपका डेट होगा उस डेट तक अगर आप उसको यूज़ नहीं करते हैं, तो आपका कार्ड जो है वो सस्पेंड हो जाएगा और बंद हो जाएगा। और देखिए वहाँ पे एक परचेज करना होगा, यानी कि अगर आपको अपने कार्ड को जिंदा रखना है या फिर कंटिन्यू रखना है, तो आपको वहाँ पे एक ट्रांजेक्शन तो करना ही पड़ेगा ताकि वो कंटिन्यू आपका हो जाए और आप उस कार्ड को यूज़ कर पाए। क्या होता है कि कई सारे कार्ड जो है वो हो जाते हैं, 3 4 क्रेडिट कार्ड, 5 क्रेडिट कार्ड हो जाते हैं, और क्या होता है कि एक उसमें से आप मिस कर जाते हैं कि साल भर ही यूज़ नहीं करते हैं या ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। नॉर्मल क्रेडिट कार्ड शायद जो आपके पास होगा वही आपसे मिस हो रहा होगा, क्योंकि जब से रुपए क्रेडिट कार्ड आया है लोग उसमें स्विच हो गए हैं। इस वजह से जो नॉर्मल क्रेडिट कार्ड है उसमें वो मिस हो जा रहा है, यही कारण मेरा भी था जो ये मिस हो गया। तो उसको अगर आप मिस करते हैं तो एक ट्रांजेक्शन करेंगे तो आपका क्रेडिट कार्ड बच सकता है, यानी कि ब्लॉक या सस्पेंड नहीं होगा। और अगर आप वो चीज़ नहीं करते हैं तो आरबीआई की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग, देखिए, एज पर द आरबीआई गाइडलाइंस योर कार्ड विल बी सस्पेंडेड इफ नोट यूज बिफोर 8 अगस्त 2024, यानी कि 1 साल के अंदर कोई भी क्रेडिट कार्ड हो किसी भी बैंक का, मुझे लगता है, तो आरबीआई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग वो सस्पेंड हो जाएगा या बंद हो जाएगा। तो ये कारण है ब्लॉक होने का, और ये कारण है कि आपका कार्ड जो है वो बंद हो सकता है। तो इस तरह से अगर आपको अपडेट आया है, तो वैलिड ट्रांजेक्शन, यानी कि एक ट्रांजेक्शन उसकी आपको करना पड़ेगा जो परचेज है उस कार्ड से, ताकि वो कार्ड आपका कंटिन्यू रहे, बंद ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो में आप अगर क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं या सोच रहे हैं, तो इंस्टेंट अप्रूवल लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा डिफरेंट बैंक के क्रेडिट कार्ड के, तो वो जा करके आप अप्लाई कर सकते हैं। @SaareTimes नाम से इंस्टाग्राम अकाउंट है, वहाँ पर आ सकते हैं, वहाँ पर आपसे बातचीत हो सकती है। कुछ शेयर करना है या पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। सारे टाइम्स ब्लॉग्स के नाम से एक यूट्यूब चैनल और है, जहाँ पर आपको ब्लॉग देखने को मिल जाता है, तो वो चैनल भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।